कोटा एसीबी की टीम ने चित्तौड़गढ़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया और इसके बाद आरोपी को उदयपुर की एसीबी कोर्ट में भी पेश किया गया, जहां से उसे 10 दिन के रिमांड पर भेजने के आदेश दिए गए। आरोपी तस्कर छगन जाट चित्तौड़गढ़ जेल में बंद था और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारियों के साथ मिलकर अफीम तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क संचालित कर रहा था। आपको बता दें कि कोटा एसीबी की टीम ने कुछ दिन पहले ही नारकोटिक्स ब्यूरो के अधीक्षक सुधीर यादव और उनके साथ अन्य कार्मिकों को अफीम तस्करी करवाने और रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में छगन जाट के घर से बड़ी मात्रा में अफीम और नकदी भी बरामद की गई। ऐसे में उसे भी गिरफ्तार कर एसीबी की टीम अब रिमांड पर लेकर आई है और फिलहाल इन सभी आरोपियों से एसीबी की टीम गहनता से पूछताछ में जुटी है। एसीबी के प्रकरण संख्या 79/2019 में पूर्व में हमने भानु प्रताप को गिरफ्तार किया था और जो इंटरसेप्शन से और पूछताछ से जो तथ्य सामने आए थे उसमें और एफआईआर में जो हमारे नामजद अभियुक्त है छगन जाट, जो कि अफीम की तस्करी भी करता है, इसके घर से काफ़ी बड़ी मात्रा में अफीम और नकदी जो कि तस्करी से प्राप्त की गई थी वो बरामद हुई थी। इसके नारकोटिक्स के जो सुपरिटेंडेंट थे सुधीर यादव, उनके साथ अफीम की तस्करी में उनका और इन दोनों की भूमिका, संयुक्त भूमिका होने की बात हमारे